इंट्रोडक्शन टू द मॉडर्न सर्विंग इक्विपमेंट्स एंड टेक्निक्स में इसमें हम तीन चार चार पांच तरह के इंस्ट्रूमेंट्स कवर अप करेंगे। सबसे पहले जैसे आपका स्क्रीन पर दिख रहा है ऑटो लेवल, ऑटो लेवल को हम डिजिटल लेवल भी कहते हैं। उसके बाद हम करेंगे प्लानिंग मीटर। प्लानिंग मीटर इस बार जो जो क्योंकि ये डिजिटल है तो हम डिजिटल प्लानिंग मीटर के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट सेमेस्टर में लास्ट में आपको एक मैंने प्लानिंग मीटर टॉपिक कराया था, वो मैनुअल प्लानिंग मीटर था। मैनुअल प्लानिंग मीटर अब आपने लास्ट सेमेस्टर में स्टडी करा था, इस सेमेस्टर में हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे टू दी वर्किंग ऑफ डिजिटल प्लानिंग मीटर। इसी तरीके से हम आगे क्या पढ़ेंगे, आगे डिजिटल थेडोलाइट। थेडोलाइट का अगर डिजिटल वर्जन आ जाए तो डिजिटल थेडोलाइट। इसी तरीके से आगे हम पढ़ेंगे जैसे आप लीनियर मेजरमेंट करने के लिए मेजरमेंट टेप यूज करते हो, वैसे ही लीनियर मेजरमेंट करने के लिए लेजर इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट आते हैं जिनको हम इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंटोमीटर कहते हैं या डिस्टोमैट कहते हैं। उसके बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा जस्ट इंट्रोडक्शन, और उसके बाद और हम पढ़ेंगे इसके अंदर टोटल स्टेशन के बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे जीआईएस जीपीएस रिमोट सेंसिंग, जस्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ना है हमने, ज्यादा डिटेल में हमने नहीं जाना। तो आज हम दो तीन तरह के इंस्ट्रूमेंट कवर अप करेंगे, तो हम दो तीन लेक्चर्स में हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है। सबसे पहले जैसे आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, सबको ऑटो लेवल दिख रहा है, स्क्रीन दिख रही है? यस सर। हाँ जी, तो सबसे पहले आज हम कवर अप करेंगे ऑटो लेवल। अब ये चार पांच तरह के जो मैंने इंस्ट्रूमेंट बताए हैं इसमें से सिर्फ एक ही क्वेश्चन आएगा कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन, तो आपने उस तरीके से ये तैयारी करनी है। इस पे ज्यादा टाइम नहीं हमने स्ट्रेस देना, बाकी चैप्टर इससे ज्यादा बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें से मेजोरिटी पेपर आता है, इसमें से सिर्फ एक आधा क्वेश्चन आएगा। तो हम पहले पढ़ लेते हैं ऑटो लेवल, ये हमारा रिपीट टॉपिक है जो हमने सर्वेइंग वन जब मैंने आपको पढ़ाई थी, सर्वेइंग वन का लास्ट चैप्टर था ये, कि ऑटो लेवल या डिजिटल लेवल के बारे में इंट्रोडक्शन थी। सेम इसमें के अंदर भी रेपिटेशन है, तो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स में सबसे पहले जो हम इंस्ट्रूमेंट करेंगे वो करेंगे ऑटो लेवल, जस्ट रिवाइज करेंगे। अब डिजिटल लेवल ऑटो लेवल क्या होता है स्टूडेंट, देखो जैसे हम मैनुअल डब्बी लेवल होता है, लेवल का मेन पर्पज क्या होता है, हमने वर्टिकल डिफरेंस निकालना, हाइट डिफरेंस निकालना। तो अगर वो जो हम डंपी लेवल यूज करते हैं उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर हम सारी उसकी जो जो रीडिंग्स पढ़ते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टाफ, हम स्टाफ को टारगेट कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ डंपी लेवल, उसकी लेवलिंग सेंटरिंग फोकसिंग सारी कर, लेवलिंग फोकसिंग करने के बाद उसके टेलीस्कोप से साइड करके स्टाफ की जो रीडिंग जिसके साथ उसका सेंट्रल हेयर बाइसेक्ट करता है स्टाफ के ऊपर पढ़ लेते हैं, उसका स्टाफ 5 mm का लीस्ट काउंट होता है। अब अगर यही सारा आपका लेवल जो है डिजिटल हो जाए, डिजिटल जैसे आपको ये फोटो दिख रही है, फोटो डिजिटल लेवल है, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर भी वही नीचे ट्राइपॉड स्टैंड होता है, ऊपर ट्राई ब्रश प्लेट होती है, उसके जो लेवलिंग करने के लिए इसके 3 फुट स्क्रू होते हैं। जैसे आपका डंपी लेवल लेवल होता है वैसे ही ये ऑटो लेवल या डिजिटल लेवल ये भी वैसे ही लेवल होता है, इसका टेलीस्कोप 2 फुट स्क्रू के पैरेलल करके दोनों को या इनवर्ड रोटेट करो या आउटवर्ड रोटेट करो, ऐसे ही जो अगर तीसरा स्क्रू है उसके ऊपर इसको पोजिशन करके इसके टेलीस्कोप को और उसको चाहे क्लॉकवाइज करो चाहे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करो, इसका जो साइड पे जहाँ पर इसके अंदर यहाँ पे शो नहीं हो रहा साइड पे यहाँ पे इसके भी प्लम्ब बॉब इसका सर्कुलर इसका प्लम्ब बॉब नहीं सॉरी बबल इसका बबल सर्कुलर होता है, तो सर्कुलर बबल लगा होता है वो सेंटर में आ जाता है, तो इसका मतलब किसी पोजीशन में वो सेंटर में होना चाहिए तो आपकी लेवलिंग प्रॉपर है। तो वही है इसका स्टाफ जो होता है इसका स्टाफ बार कोडेड होता है, इसका लेवलिंग स्टाफ बार कोडेड होता है, उसकी प्रोसीजर जैसे हमारा मैनुअल स्टाफ होता है, मतलब जो हम सिंपल डंपी लेवल के साथ मैनुअल डंपी लेवल के साथ यूज करते हैं उसका लीस्ट काउंट 5 mm होता है, तो इसकी इसकी जो सी प्रोसीजन है वो 0.1 mm तक भी आ जाती है, क्योंकि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं 0.1 mm तक की भी ये वर्टिकल हाइट मेजर कर सकता है डिफरेंस। तो अब इसका इसका अगर हम इसका प्रॉपर अगर हम इसका जस्ट ओवरव्यू लें कि ये फंक्शन कैसे करता है, ये ऑन द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है तो ये लेजर के ऊपर डिपेंड करता है। होता क्या है, जहां पर इसको आपने उसको स्टेशन कर दिया, जहां पर इसकी लेवलिंग फोकसिंग कर दी, फिर ये इसका स्टाफ होता है बार कोडेड स्टाफ जिस पॉइंट का हमने लेवल निकालना है तो उसका हम उसके ऊपर क्या करते हैं स्टाफ को रख देते हैं, और इससे क्या होता है जब हम इसको ऑन करते हैं इससे लेजर बीम निकलती है, लेजर बीम स्टाफ को इंटरसेप्ट करके वापस आती है। तो इसके अंदर सब कुछ डिजिटल एल्गोरिदम्स होते हैं, कंप्यूटर एल्गोरिदम्स होते हैं जिससे कि इसकी जो स्क्रीन होती है उसके ऊपर हाइट डिफरेंस डायरेक्टली डिस्प्ले हो जाता है। इसमें कोई रीडिंग पढ़ने की जरूरत नहीं होती, कोई कोई ये नहीं देखना कि हाँ भी कि लास्ट में 5 आ रहा है कि 0 आ रहा है, वो चीजें कुछ नहीं है। इसके अंदर डिजिटल इंस्ट्रूमेंट है, सिर्फ लेजर बीम के ऊपर काम करेगा, लेजर बीम इससे इजेक्ट होगी स्ट्राइक करके वापस आ जाएगी, अभी ये अपने आप इनबिल्ट प्रोग्राम है तो इसके साथ क्या है अपने आप डिस्प्ले कर देता है स्क्रीन के ऊपर। अब इससे हम जो है वर्टिकल हाइट डिफरेंस भी निकाल सकते हैं, इससे हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं, तो इससे मल्टीपल पर्पस है, डिपेंड करता है ऑन द लेवल ऑफ आपका डिजिटल लेवल, मतलब किस लेवल का आपका लेवल है, किस वर्जन का लेवल है। तो उस तरीके से हम इससे कभी कभी इसके साथ हम हॉरिजॉन्टल एंगल भी मेजर कर लेते हैं, इसके साथ हॉरिजॉन्टल कंपास भी लगी होती है वो भी डिजिटल,
तो इन ये जो चीजें हैं जोन सी हैं, विद द हेल्प ऑफ दीज ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हम जोन सा है लेवलिंग भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो ऑटो लेवल का मेन जोन सा ये सिंपल मेन फंक्शन ये होता है। अब इसके अंदर क्या है, इसको ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर इसको हम लेवल कर देते हैं, तीन स्क्रू लगे हैं वही हैं। ये ऑब्जेक्ट लेंस है, इसकी दूसरी तरफ दिखता नहीं है, आईपीस है। ये लॉक लीवर है, इसके अंदर बैटरी बॉक्स है, बैटरी लग जाती है। इसके अंदर ये स्क्रू लगा हुआ, टेंजेंट स्क्रू लगा इसके मूवमेंट के लिए। नीचे इसका बेस है। अब अगर हम ये इसका यहाँ से फ्रंट व्यू देखो इसका, तो यहाँ पे डिस्प्ले स्क्रीन लगी होती है। डिस्प्ले स्क्रीन पे आपके जो भी जिस भी मोड में आपने इसकी सेटिंग कर दी, चाहे आप अगर हाइट डिफरेंस निकाल रहे हो तो हाइट डिफरेंस मोड के हिसाब से इसकी, ये तो चलाने पे आएगा इसको, जैसे हम मोबाइल चलाते हैं हाइट डिफरेंस मोड से इसकी सेटिंग कर दोगे तो ये हाइट डिफरेंस निकाल देगा। उसके बाद अगर आपने मेजरमेंट मोड पे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालना है तो इसको हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट मोड पे डाल दो, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर कर लेता है। ये डिस्टेंस रॉड की आ गई, ये हाइट डिफरेंस की आ गई, ये दबा दो तो ये उस मोड में चले जाता है। उसके बाद यहाँ पे सर्कुलर लेवल मिरर, अब इसका लेवल जो सा होता है इसका जो सा वो बबल होता है, सर्कुलर होता है, ये सर्कुलर है। अगर इसको शीशे में देखना, आप शीशे में भी देख सकते हो। तो यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट, ये हमारा आईपीस है, यहाँ से हम अपना जो हमारा स्टाफ है उसको साइट करते हैं। एक और व्यू दिया, ये हैंड ग्रिप है, इसका हैंडल दिया हुआ है, आईपीस का रिंग दिया हुआ है, ये इसके कनेक्टर वगैरह हैं। ये इतनी डिटेलिंग तो हमारे लिए नहीं, हमको इतनी रिक्वायर्ड होती। उसके बाद ये मयरिंग की, ये मयरिंग की दबाओगे तो ये मयर करना शुरू कर देगा। फोकसिंग नॉब, इसका टेलीस्कोप फोकस करना है तो फोकस करने के लिए ये होता है। प्रोसीजर अगर हमें इसको सेट करना है, अगर इसको हमने टेम्परेचर एडजस्ट करना है तो वही सेटिंग ऑफ द ट्राइपॉड स्टैंड। सबसे पहले ट्राइपॉड स्टैंड खोलो, अपनी हाइट तक लेके जाओ, उसके ऊपर क्या करो, उसके नट वगैरह इसको कस दो सारा कुछ। उसके बाद डिटेल जो हमारा लेवल है इसको उसके ऊपर ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर माउंट कर दो। फिर उसके बाद क्या करो, सेटिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट ओवर ए पॉइंट। अब इसके अंदर क्या होता है, अगर आपने किसी पॉइंट के ऊपर इसको सेंटर करना है तो इसके नीचे जो है प्लंब भी लग जाता है, प्लंब थ्रेड है, अब उसको बांधो। तो उसके बाद इसको वर्टिकल हम किसी भी पॉइंट के ऊपर स्टेशन कर सकते हैं। अभी डिपेंड करता है इसके इनकी क्वालिटी के ऊपर, इनके वर्जन के ऊपर, मॉडल के ऊपर। कईयों में क्या होता है स्टूडेंट, कईयों में प्लंब नहीं होता, प्लंब की जगह पे क्या होता है इसके अंदर एक प्लमेट होता है, प्लमेट, प्लमेट बोलते हैं उसको हम। प्लमेट क्या होता है, एक इसका हम उसको कह सकते हैं मिरर होता है, उससे हम देखते हैं, उस मिरर से जिस पॉइंट के ऊपर ये इंस्ट्रूमेंट सेंटर होता है वो पॉइंट जमीन का दिख जाता है। अगर आप किसी पॉइंट के ऊपर सेंटर करना चाहते हो, उसके ऊपर जमीन पे निशान लगा लो, फिर उसके बाद लेवल से ही उसके जो प्लमेट होता है उस मिरर में से देखो उसका, अगर आपको उस मिरर के अंदर वो जमीन का पॉइंट दिख रहा है तो इसका मतलब आपका लेवल उस पॉइंट के ऊपर सेंटर है। अगर नहीं दिख रहा तो आगे पीछे लेवल शिफ्ट कर दो। ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ये इनके जोन से है मॉडल्स के ऊपर डिपेंड करता है। कईयों में प्लमेट होता है, कईयों में प्लमेट नहीं होता, तो कईयों में जो हमारा सिंपल जोन सा हम हुक के साथ प्लंब अटैच करके थ्रेड से उसको हम नीचे हैंग कर देते हैं, वो सिस्टम होता है। तो ये डिपेंड करता है कि आपके डिफरेंट मॉडल्स के ऊपर। तो अब इसके अंदर अगर कीज देखे, पावर की होता है, मयरिंग की होती है, हाइट डिफरेंस की होती है, डिस्टेंस मयर करने के लिए रॉड की होती है, एलसीडी लाइटिंग होती है, अगर जो इसकी स्क्रीन होती है उसमें एलसीडी डिस्प्ले होता है, एलसीडी है, ये पुरानी चीज है एलसीडी, चलो एलसीडी डिस्प्ले होता है। फिर उसके बाद बार कोडेड स्टाफ होता है, बार कोडेड स्टाफ जोन सा आता है कि वो प्रिकॉशंस फॉर प्लेसिंग द बार कोडेड स्टाफ। अब बार कोडेड स्टाफ को जब यूज करना, क्या प्रिकॉशन लेनी है, स्टाफ इज सेटअप इन अच्छी डे लाइट होनी चाहिए, तो मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द इंस्ट्रूमेंट एंड बार कोड 2 मीटर, मतलब कहने का मतलब 2 मीटर से कम। अब ये डिपेंड करता है उसकी प्रोसीजन पे, मॉडल पे। अब ये जिस मॉडल की बात कर रहे होंगे वो कर रहे हैं कि ये 2 मीटर से कम जोन है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर नहीं कर सकता, प्रोसीजन है। अगर नए लेटेस्ट से लेटेस्ट मॉडल जोन है सब कुछ कर सकते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी, इट्स डिपेंड अपॉन द जो जिस कंपनी से हम ले रहे हैं, जो मैन्युफैक्चरर है। उसके बाद इसके हम नो मैटर इन मेजरिंग फंक्शन इफ द स्टाफ इज इन शेड, अगर स्टाफ आपका शेड में है तो अब तो प्रॉब्लम होगी, लाइटिंग की प्रॉब्लम होगी, या अगर वेदर ठीक नहीं है तो उससे क्या होगा, आपके एरर आ सकते हैं। तो ये भी जो सी चीजें, लैग एरर आ सकता है। तो ये चीजें जो सी होती है मेन बेसिक यही एरर है, अगर वेदर खराब हो जाए, अगर शेड आ जाए तो उसके अंदर भी, अगर आपका अच्छी क्वालिटी का है तो आप तो ये भी नहीं इफेक्ट करता वेदर भी, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में ये कोई लिमिटेशन नहीं है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स की, कईयों में हो सकती है, डिपेंड्स अपॉन मॉडल। तो इन तरीकों से हम क्या करते हैं, अब अगर सपोज कर लो ये चलाने पे अगर आपने हाइट डिफरेंस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर करना है तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजरिंग मोड में चले जाओ, की दबा लो। आफ्टर अब कैसे करोगे इसको, चेक द इंस्ट्रूमेंट टू द मेजरमेंट मोड, उसको आप मेजरमेंट मोड में ले जाओ। फिर उसके बाद कॉलीमेट द स्टाफ एट द मेजरमेंट पॉइंट, मेजरमेंट पॉइंट जहां तक आपने मेजरमेंट करनी है वहां पे स्टाफ रख दो। फिर पुश द मेजरमेंट की, मेजरमेंट की दबाओ, फिर मेजरमेंट स्टार्ट हो जाएगी।
फिर जब मेजरमेंट होगी तो ऐसा उस पर दिखेगा, मेजरिंग मेजरिंग करने के बाद ये डिस्टेंस आ जाएगा 2.3245 मीटर। तो इस तरीके से जो है आप मेजरिंग कर सकते हो। ऐसे ही अगर सपोज हाइट डिफरेंस करना है तो हाइट डिफरेंस मोड में चले जाओ। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसके अंदर अपन एक रेफरेंस पॉइंट ले लेते हैं। रेफरेंस पॉइंट बाय यूजिंग द स्टाफ मेजर द हाइट ऑफ द रेफरेंस पॉइंट। हाँ, ये रेफरेंस पॉइंट लिखा है तो किसी एक रेफरेंस पॉइंट के विद रिस्पेक्ट टू ये हाइट डिफरेंस निकालता है कि उससे ऊपर है किसी पॉइंट का लेवल के नीचे है। तो आपने रेफरेंस पॉइंट सेट कर लिया, फिर उस पॉइंट को के ऊपर जाके स्टाफ रख दो जिस पॉइंट के आपने हाइट डिफरेंस निकालना है, तो वो रिकॉर्ड कर लेता है। फिर रिकॉर्ड अगर वो पॉइंट का हाइट डिफरेंस ज्यादा है विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट तो ये ऐसा अपवर्ड डायरेक्शन में एरो आ जाता है, तो ये हाइट डिफरेंस शो कर दिया। अगर कम है तो डाउन।